10 बज रहे हैं, क्या अभी पढ़ना ठीक रहेगा? आई थिंक सुबह 4 बजे उठ के पढ़ना अच्छा रहेगा। नहीं यार, मैम ने कहा था रात को जब सब सो जाते हैं सन्नाटे में पढ़ना बेस्ट रहता है। पढ़ाई का सीजन है एंड वी ऑलवेज कीप थिंकिंग विच इज द बेस्ट टाइम टू स्टडी, और इस बेस्ट टाइम की खोज में हम अपना वैसे ही काफी सारा टाइम वेस्ट कर देते हैं। तो आज हम कुछ ऐसी बातें करेंगे दैट विल हेल्प यू टू आइडेंटिफाई विच इज द बेस्ट टाइम टू स्टडी व्हाट। लेट्स गेट स्टार्टेड। हम जनरली दो स्टाइल की स्टडी करते हैं। एक होता है कॉन्सेप्चुअल स्टडी, जिसके अंदर कुछ कॉन्सेप्ट या लॉजिक होता है जो हमें समझना होता है, और उसे अच्छी तरह से समझ के हमें अलग अलग सिचुएशंस में उस समझ को अप्लाई करना होता है। जैसे अगर आप सोचें फिजिक्स या मैथ्स जैसे सब्जेक्ट्स जिनके अंदर कुछ ना कुछ लॉजिक होता है, और अगर आप उस लॉजिक को अच्छी तरह से समझ गए तो उस लॉजिक को यूज़ करके आप बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। आप मैथ्स का कोई भी एक टॉपिक दिमाग में सोचिए, मान लीजिए अगर आप ट्रिग्नोमेट्री की बात करें तो उसमें अगर आपने बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ का कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से समझ लिया तो उसी को यूज़ करके आप कुछ नहीं तो कम से कम 100-200 प्रॉब्लम्स आराम से सॉल्व कर सकते हैं, राइट? तो इस तरह की जब हम कॉन्सेप्चुअल स्टडी करेंगे उस समय हमारे ब्रेन को बहुत सारा काम करना होगा, क्योंकि ब्रेन को सारी चीज़ें अच्छी तरह से इन डेप्थ समझनी है। ऊपर ऊपर समझने से ब्रेन उसे अप्लाई नहीं कर पाएगा, तो इन डेप्थ समझनी है और समझ के उसे अलग अलग सिचुएशन के हिसाब से अप्लाई करना है। तो इसीलिए इस तरह की कॉन्सेप्चुअल स्टडीज़ हम तब करेंगे जब हमारा ब्रेन मोस्ट एक्टिव स्टेट में होगा। अब आप पूछेंगे कि मेरा ब्रेन मोस्ट एक्टिव स्टेट में कब होगा? अब ये मुझे तो नहीं पता, क्योंकि हम सबके ब्रेन्स अलग अलग टाइम पे अलग अलग स्टेट पे होते हैं। जैसे अगर मैं अपना एग्जांपल लूँ, मैं जब सुबह उठती हूँ, नहा धो के पढ़ने बैठती हूँ, उस समय मुझे लगता है कि मेरा ब्रेन सबसे ज़्यादा एक्टिव होता है, क्योंकि उस समय मुझे बिल्कुल एंथुजियास्टिक फील होता है, लगता है हाँ कुछ करना है, कुछ पढ़ना है, तो उस तरह की एनर्जी रहती है मेरे अंदर, यानी कि मैं उस समय मोस्ट एक्टिव स्टेट में हूँ। लेकिन हो सकता है कि आपके लिए ऐसा ना हो, शायद आप जब सुबह उठते हैं भले ही नहा धो के पढ़ने बैठते हैं बट आपको उस समय थोड़ा लेजी, थोड़ा स्लीपी, आप थोड़े लेजी मोड में होते हैं, तो यानी कि वो आपका मोस्ट एक्टिव स्टेट नहीं है। हो सकता है टुवर्ड्स द आफ्टरनून आपको बहुत एक्टिव फील होता है। तो इस तरह से हम कब सबसे ज़्यादा एक्टिव स्टेट में है वो हमें खुद डिसाइड करना होगा। कुछ सिम्टम्स जो हमें बताते हैं कि हम एक्टिव स्टेट में हैं, जैसे कि हमें नींद बिल्कुल नहीं आती है, जोश रहता है पूरा कि कुछ करना है, पढ़ना है, तो वो हमारा एक्टिव स्टेट है। तो कुल मिला के कॉन्सेप्चुअल स्टडीज़ हमें करना है तब जब हमारा ब्रेन मोस्ट एक्टिव स्टेट में है। तो कौन सा वो टाइम है जब आपका ब्रेन मोस्ट एक्टिव स्टेट में रहता है, कॉमेंट्स में डालिए और हमें बताइए। दूसरे तरह की स्टडी जो हम करते हैं वो है फैक्चुअल स्टडी, यानी कि हमारे पास कुछ फैक्ट्स, इन्फॉर्मेशन होती हैं जिन्हें हमें जानना होता है और उसे हमारे ब्रेन में रिटेन करना होता है। तो इस केस में अगर आप कुछ सब्जेक्ट्स को याद करें, जैसे हिस्ट्री, हिस्ट्री के अंदर हम बहुत सारी स्टोरीज पढ़ते हैं कि भाई बैटल ऑफ पानीपत हुई थी, फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ था, सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ था, कब हुआ था, किसके बीच में हुआ था, कौन सी जगह में हुआ था, तो ये सारे फैक्ट्स हैं, इनमें कुछ खास लॉजिक नहीं है, हमें बस ये जानना है कि ये लड़ाई हुई थी, किसके बीच हुई थी, कब हुई थी, कैसे हुई थी। एक बार ये सारी इन्फॉर्मेशन हमारे दिमाग में सेट हो गया फिर हमें उसे अपने मेमोरी में याद रखना है। तो यानी कि इस तरह की फैक्चुअल स्टडी में हम देखते हैं कि मेमोरी का बहुत ज़्यादा रोल होता है। तो यहाँ पे भले ही हमारे ब्रेन को मोस्ट एक्टिव स्टेट में रहने की ज़रूरत नहीं है, बट यहाँ पे हमें ध्यान देना है कि हम पढ़ाई के बाद ब्रेन को थोड़ा टाइम दे रिलैक्स होने का, जब ये सारी इन्फॉर्मेशन हमारे मेमोरी में सेट हो जाए। तो कुछ सब्जेक्ट्स जैसे हिस्ट्री, जैसे बायोलॉजी, इनफैक्ट बायो में जो है कुछ कॉन्सेप्चुअल पार्ट्स हैं जैसे कि जेनेटिक्स, कुछ फैक्चुअल पार्ट्स हैं जैसे कि प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम। तो इस तरह के फैक्चुअल सब्जेक्ट्स को हम तब पढ़ेंगे जब हमारा ब्रेन बहुत ज़्यादा एक्टिव स्टेट में तो नहीं है, और साथ ही साथ हम कोशिश करेंगे ऐसे टाइम में पढ़ने का ताकि पढ़ाई होने के बाद हम सोने चले जाएं। अब इसका ये मतलब नहीं है कि मुझे रात को 10 बजे सोना है तो भाई घड़ी देख के 9:30 बजे बायो पढ़ने बैठते हैं,
उससे भी काम नहीं चलेगा, क्योंकि 9:30 बजे तक तो आपको ऑलरेडी बहुत नींद आ चुकी होगी। तब आप बुक खोलेंगे तो आप वैसे ही सो जाएंगे। तो इसीलिए अगर आप रात को 10 बजे सोते हैं तो शाम के समय में भी 5:00, 6:00 इस तरह का जो टाइम है उस टाइम पे आप इस तरह के फैक्चुअल सब्जेक्ट्स पढ़ सकते हैं, क्योंकि उस समय ऐसा भी नहीं है कि आप बिल्कुल नींद में हैं और ऐसा भी नहीं है कि आप सुपर एक्टिव हैं। तो इस समय पे आप इस तरह की फैक्चुअल सब्जेक्ट्स की स्टडी कर सकते हैं और रात में जब आप सो जाएंगे तो काफ़ी देर के लिए आपका ब्रेन जो है रिलैक्स मोड में चला जाएगा और ये जितनी इन्फॉर्मेशन आपने अपने ब्रेन के अंदर डाली है वो आपके मेमोरी में रिटेन हो जाएगी। तो कुल मिला के हमने ये देखा कि जब भी हमें कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट्स पढ़ने होते हैं, जैसे फिजिक्स, मैथ्स, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, इस तरह के सब्जेक्ट्स हम तब पढ़ते हैं जब हमारा ब्रेन मोस्ट एक्टिव स्टेट में होता है। दूसरी तरफ जब हमें फैक्चुअल सब्जेक्ट्स पढ़ने होते हैं, जैसे कि हिस्ट्री या बायोलॉजी, तब हम पढ़ते हैं उन्हें ऐसे टाइम पे जब हमारा ब्रेन थोड़ा लेस एक्टिव स्टेट में है और पढ़ाई के बाद हम ब्रेन को थोड़ा रिलैक्स मोड दे सके, जब ये सब कुछ मेमोरी में सेट हो जाए। आई होप यू फाउंड दिस वीडियो यूजफुल। तो मुझे लगता है कि इस वीडियो से आपको कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसी मिली होगी जिससे आपका ये जो कन्फ्यूजन है कि कब पढ़ें, क्या पढ़ें, ये थोड़ा बहुत दूर तो हुआ ही होगा। Do let us know your feedback on this video in the comment section, and I'll see you all very soon with a new video. All the very best for your exams.